यस बच्चों माहौल एकदम चैप्टर नंबर 16 ऑडिट सर बहुत छोटा पॉइंट है दो सेक्शन है सेक्शन नंबर 65 और 66 65 बोलता है ऑडिट बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर 66 बोलता है क्या ऑडिट बाय सीए कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय कमिश्नर सुनो बच्चों ध्यान से सेक्शन नंबर 65 अगर सुनना बेटा ये है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज सर सिंस असेसी सेल्फ असेस करता है तो टू मॉनिटर ऑल दीज थिंग्स डिपार्टमेंट क्या करेगा रिस्क इवैल्यूएशन बेसिस पर कुछ असेसी को सेलेक्ट करता है उनके क्राइटेरिया के बेस पर और उनको सर इंटीमेशन देगा एडवांस में कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर क्या करेगा आपके यहाँ पे आके ऑडिट करेगा पर हाँ ऑडिट करने से पहले ये जीएसटी ऑडिट नहीं है बेटा जीएसटी ऑडिट तो जिसका भी एग्रीगेटर हो 2 करोड़ क्रॉस होता है उसको जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ेगा वो अपने असेसी खुद सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट करेगा उसकी फीस वो खुद देगा बेटा वो अलग चीज़ है क्लियर ये ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज वो असेसी सेलेक्ट करेगा और कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर वो आपके प्रीमिसेस पाएंगे और टैक्स और वो जीएसटी अपना डिपार्टमेंट ऑफिसर इंटरनल ऑडिट करेंगे बेटा सुनो बच्चों ध्यान से पर यहाँ पर ये सडन ऑडिट नहीं होती है यहाँ पे एटलीस्ट 15 डेज एडवांस में आपको इंटीमेशन दिया जाएगा कि हम इस पीरियड का ऑडिट करेंगे अच्छा किस पीरियड का ऑडिट कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर का या उसके किसी पार्ट का या मल्टीपल ऑफ फाइनेंशियल ईयर का भी बेटा एक साल 4 साल का कर दिया एक साल दो साल का कर दिया ये कर सकते बेटा हाफ दी फाइनेंशियल का भी कर सकते बेटा पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पूरा फाइनेंशियल ईयर या मल्टीपल ऑफ फाइनेंशियल ईयर का वो कर सकते ऑडिट ओके सर अब वो ऑडिट करने आएंगे तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या होगा बेटा जिस दिन उनको आपने सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको आपने अवेलेबल करा दिया वो दिन या जिस दिन एक्चुअली उन्होंने ऑडिट कमेंस किया एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस विच एवर इज लेटर वहाँ से डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कहलाता है बेटा अब जब ऑडिट वो शुरू करेंगे तब उनको बोल दिया क्या तुमको 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से 3 महीने के अंदर पर अगर मैटर कॉम्प्लिकेटेड है अगर ऑडिट टीम को और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो कमीशन चाहे तो फर्दर 6 मोर मंथ का एक्सटेंशन दे सकता है ऑडिट टीम को कि ऑडिट करने का टाइम और ले लो साहब आप अब साहब ऑडिट करेंगे तो कैसे करेंगे आपसे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांगेंगे बेटा सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेंगे सारे इन्वॉइस वगैरह चेक करेंगे रेट ऑफ टैक्स आपने सही लिया कि नहीं लिया चेक करेंगे एग्जम्पशन लिया सही किया एग्जम्पशन सही लिया कि नहीं लिया आपने वो चेक करेंगे आईटीसी प्रॉपर है या नहीं वैल्यूएशन सही है या नहीं क्लासिफिकेशन प्रॉपर किया कि नहीं किया ये सब चेक करेंगे आपको सारा सिस्टम आपको सिस्टम मतलब अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड काम होता है ऑनलाइन तो सारा सिस्टम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेंगे ओके सर अब उनको कोई क्वेरी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप अपना आंसर देंगे उसके बेस पे ऑडिट रिपोर्ट वो बनाएंगे और ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर जो ऑडिट का फाइंडिंग था वो आपको भी बता देंगे कि ये फाइंडिंग हमको मिला ये ऑब्जेक्शन हमको था बेटा क्लियर और सर अगर उनको कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो इमीडिएटली डिमांड ऑर्डर रेज नहीं होगा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो ऑडिट विल बी फॉलोड बाय सेक्शन नंबर 73 और 74 अगर कोई डिस्क्रिपेंसी और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आपने उसको डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे नहीं किया तो 73 या 74 सेक्शन फॉलो करके शो कॉज नोटिस सर्व करेंगे और उसके बाद प्रोसीजर शुरू हो जाएगा शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर वगैरह का बेटा क्लियर डन सरकार पॉइंट खत्म होता है अब छोटा सा पॉइंट था क्या ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 65 ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 66 अगर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबो रैंक वाले ऑफिसर के पास रीजन की ओपिनियन है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी है वो सही नहीं है या जो आपने आईटीसी लिया वो सही नहीं है गड़बड़ है फ्रॉडुलेंट है उसको ऐसा लगता है तो आफ्टर टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द कमिश्नर वो चाहे तो प्रायर टेकिंग परमिशन ऑफ द कमिश्नर वो चाहे तो आपको एक स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है और ये स्पेशल ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट विच आर नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर उनको अपॉइंट भी कौन करता है कमिश्नर अपॉइंट करता है वो आके आपके यहाँ ऑडिट करेंगे और वो ऑडिट करेंगे तो जिस दिन उन्होंने ऑडिट शुरू किया उसके 90 डेज में उनको ऑडिट पूरा करना पड़ेगा और असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो अगर वो सीए कॉस्ट अकाउंटेंट जो ऑडिट करने गया है उसको लगता है टाइम और चाहिए तो फर्दर 90 मोर डेज तक का टाइम और दे सकता है 90 डेज प्लस 90 डेज टू कंप्लीट द ऑडिट ओके ये ऑडिट में अगर कुछ फाइंडिंग मिली अच्छा प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएंगे ऑडिट करने आपको कॉपरेट करना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे ओके ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट हो गई अब सर ऑडिट में अगर कोई फाइंडिंग आई तो डिपार्टमेंट अगेन सेक्शन में 73 या 74 का प्रोसीजर फॉलो करके आपको अपॉर्चुन बिंग हर्ट देखे वो ऑर्डर पास करेगा बेटा क्लियर समझे मेरी बात और हाँ ये ऑडिट का सारा खर्चा कौन बोन करेगा डिपार्टमेंट और कमिश्नर इनकी फीस और सारे एक्सपेंसेस कमिश्नर फाइनलाइज करेगा ऑडिटर का फीस क्लियर और जो उसने फाइनल कर दिया वो फाइनल है उसको कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता और डिपार्टमेंट बोन करता सारा फीस वगैरह बेटा क्लियर डन भारत माता की जय अगेन एक छोटा सा टॉपिक चैप्टर नंबर 16 दो सेक्शन बेटा सेक्शन 65 और 66 खत्म होते हैं अब ध्यान रखना तो 3 तरह की ऑडिट होगी जीएसटी की बेटा एक तो टैक्स ऑडिट इंटरनल ऑडिट बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट सेक्शन नंबर 65 की एक सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जो डिपार्टमेंट अपॉइंट कर रहा है अगर आपके वैल्यूएशन या आईटीसी में गड़बड़ था तो और थर्ड अगर एवरी एसएससी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस होता है उसको सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से अपना ऑडिट करवाना पड़ता है उसकी फीस वगैरह खुद एसएससी देता है बेटा इस पर सेक्शन 44 बेटा क्लियर डन भारत माता की जय चैप्टर नंबर 16 खत्म होता है अब थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए।